अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम इस समय अपना डेब्यू टेस्ट मैच भारत के खिलाफ बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेल रही है। मेहमान टीम को अपने युवा गेंदबाज मुजीबुर रहमान से काफी उम्मीदें हैं, जिन्होंने हाल ही में आईपीएल में अपनी गेंदबाजी से सभी को प्रभावित किया था। हालांकि भारत के खिलाफ टेस्ट मैच में उतरने के साथ ही मुजीब ने एक खास उपलब्धि या कहें कि एक खास रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। मुजीब जादरान भारत के खिलाफ टेस्ट मैच में खेलने वाले दूसरे सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। मुजीब इस समय 17 साल और 78 दिन के हैं। इस लिस्ट में सबसे ऊपर पाकिस्तान के मुश्ताक मोहम्मद हैं। मुश्ताक मोहम्मद ने 17 साल 10 दिन की उम्र में भारत के खिलाफ भारत में ही टेस्ट मैच खेला था। अफगानिस्तान के मुजीबुर रहमान ने इंडियन प्रीमियर लीग में किंग्स इलेवन पंजाब की ओर से खेला था। उन्हें 11 मैचों में खेलने का मौका मिला और इस दौरान उन्होंने 14 विकेट अपने नाम किए थे। पंजाब की ओर से सबसे ज्यादा विकेट झटकने वालों की सूची में मुजीब दूसरे नंबर पर थे। अब हालांकि मुजीब की शिखर धवन ने खूब पिटाई भी की और उन्हें कोई सफलता भी अब तक नहीं मिली है, लेकिन मुजीबुर रहमान ने टेस्ट मैच खेलते ही ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वैसे मुजीबुर रहमान टेस्ट मैच में ही फर्स्ट क्लास डेब्यू करने वाले भी छठे खिलाड़ी बन गए हैं। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।